Good morning, students. In today's science class, we will going to study chapter first, Know Your Body. हमने आगे के parts में the skin, the eyes, the nose, the ears, the mouth and the limbs के बारे में detail में जान लिया है. आज का जो हमारा topic है वो है the joints. A joint is where two parts of the body are joined. Joint शरीर के उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे two parts क्या होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, यानी शरीर के two parts एक दूसरे से joint होते हैं. The two parts of the arm are joined at the elbow. आर्म्स के जो टू पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है. आर्म का जो अपर पार्ट होता है यानी जो ऊपर का पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपर आर्म कहा जाता है. क्या कहा जाता है, अपर आर्म कहा जाता है. एंड आर्म का जो लोअर पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, फोर आर्म कहा जाता है. क्या कहा जाता है, फोर आर्म. तो ये अपर आर्म एंड फोर आर्म दोनों किससे जॉइंट है, तो एल्बो से. अपर आर्म एंड फोर आर्म दोनों एल्बो से जॉइंट है. किससे जॉइंट है, एल्बो से. द आर्म इज जॉइंड टू द बॉडी एट द शोल्डर. आर्म्स के टू पार्ट्स जो एल्बो से जुड़े हुए हैं, आर्म जो है वो शोल्डर से भी क्या है, जॉइंट है. आर्म्स के टू पार्ट्स एल्बो से जॉइंट है एंड आर्म जो है वो किससे जॉइंट है, शोल्डर से. किससे, शोल्डर से. एंड इट इज जॉइंट टू द हैंड एट द रिस्ट. आर्म जो है वो किससे जॉइंट है, शोल्डर से. किससे, शोल्डर से. एंड साथ साथ आर्म जो है वो रिस्ट से भी क्या है, जॉइंट है. किससे जॉइंट है, रिस्ट से भी वो जॉइंट है. यू रिमेंबर दैट आर्म के टू पार्ट्स जो है वो एल्बो से जॉइंट है, आर्म जो है वो शोल्डर से एंड रिस्ट से क्या है, जॉइंट है. द टू पार्ट्स ऑफ द लेग आर जॉइंड एट द नी. लेग के टू पार्ट्स जो है वो किससे जॉइंट है, नी से. के एन डबल ई नी. लेग के टू पार्ट्स किससे जॉइंट है, नी से. किससे जॉइंट है, नी से. लेग का जो अपर पार्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, थाई कहा जाता है. लेग के अपर पार्ट को थाई कहा जाता है. लेग के टू पार्ट्स किससे जॉइंट है, किससे जॉइंट होते हैं लेग के टू पार्ट्स, किससे जॉइंट होते हैं, नी से. लेग के टू पार्ट्स नी से जॉइंट होते हैं. द लेग इज जॉइंट टू द बॉडी एट द हिप. लेग के टू पार्ट्स नी से जॉइंट होते हैं एंड लेग जो है वो किससे जॉइंट होता है, एच आई पी हिप. किससे जॉइंट होता है, हिप से जॉइंट होता है. इट इज जॉइंट टू द फुट एट द एंकल. लेग के टू पार्ट्स किससे जॉइंट होते हैं, लेग के टू पार्ट्स नी से जॉइंट होते हैं. एंड लेग जो है वो किससे जॉइंट होता है, लेग जो है वो किससे जॉइंट होता है, लेग जो है वो हिप एंड एंकल से क्या होता है, जॉइंट होता है. लेग जो है वो हिप एंड एंकल से जॉइंट होता है. द जॉइंट्स हेल्प अस मूव. जॉइंट्स जो होते हैं वो हमें मूव होने में क्या करते हैं,
हेल्प करते हैं, हमें हिलने में चलने में जॉइंट्स जो है वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। यू रिमेंबर दैट द जॉइंट्स हेल्प अस मूव, द जॉइंट्स हेल्प अस मूव। जॉइंट्स जो होते हैं वो हमें मूव होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वॉक बिकॉज योर लेग्स बेंड एट द नी। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे जो लेग्स होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं, वो हमें वॉक करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमारे लेग से हम क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। तो जब हम वॉक करते हैं तब हमारे लेग्स जो है वो नी से क्या होते हैं, बेंड होते हैं। क्या होते हैं, बेंड होते हैं। जब हम वॉक करते हैं तब हमारे लेग्स जो है वो नी से क्या होते हैं, बेंड होते हैं। लेग्स नी से बेंड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। यू कैन मूव योर हेड बिकॉज द हेड इज जॉइंट टू द बॉडी एट द नेक। हम हमारे सिर यानी जो हेड होता है उन्हें हम मूव कर पाते हैं, उनको हम घुमा सकते हैं। तो हम हमारे हेड को क्यों मूव कर पाते हैं, हमारा हेड जो है वो मूव हो सकता है तो क्यों, क्योंकि वो नेक से क्या है, जॉइंट है। हमारा हेड जो है वो नेक से जॉइंट है, इसलिए हम हमारे हेड को मूव कर पाते हैं। यू कैन मेक अ फिस्ट बिकॉज योर फिंगर्स एंड थम्ब्स हैव जॉइंट्स। पिक्चर में देखिए कि फिस्ट यानी मुट्ठी, आप लोग मुट्ठी बना सकते हो, आप लोग फिस्ट यानी मुट्ठी बना सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके जो फिंगर्स एंड जो थंब होता है, जो अंगूठा होता है, उसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, जॉइंट्स, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर पाते हो, फिस्ट यानी आप लोग मुट्ठी बना सकते हो। यहाँ हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा होता है।